और अब वक्त हो चुका है पांच के पंच में पांचवें और आखिरी पंच का। बिहार में काबा बाबा 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 बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। इन दिनों पटना में उनकी कथा चल रही है। कथा को लेकर सियासत इसलिए भी गरमाई हुई है क्योंकि भाजपा उनका समर्थन कर रही है और सत्तारूढ़ आरजेडी उनका विरोध कर रही है। उनकी कथा के साथ सियासी बयानबाजियां पर भी जोरों पर है। सियासी बयानबाजियों की आंधियां चल रही हैं। इस तपिश में ऐसा लग रहा है कि सियासी तपिश कुछ ज्यादा ही है। आइए देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। बागेश्वर धाम के बाबा की कथा भाजपा को इसलिए रास आती है क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं। धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भाजपा की भाषा में बोलते दिखते हैं। बाकी पार्टियां उन पर वैमनस्य और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाती है। उनकी कथा से पहले ही बयानबाजी चल रही है। राज्य के मंत्री तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा को देशद्रोही करार देते हुए कहा कि वो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वा रहे हैं। पटना में बाबा की कथा का आज दूसरा दिन है। बाकी कथाओं की तरह ही यहाँ भी हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कथा में भाजपा के नेता, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद मनोज तिवारी, रविशंकर प्रसाद जैसे कई चेहरे नजर आ रहे हैं। आरजेडी की चुनौती का धीरेन्द्र शास्त्री खुद जवाब देते हैं और कहते हैं कि वो तो यहाँ हिंदू हिंदू करने आए हैं। वही आयोजकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार सरकार के कई मंत्रियों को कथा में आमंत्रित किया है। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है, सच बताएं। यहाँ विरोध हुआ, हृदय कहीं नहीं, बिहार में अब बाहर है, बिहार में बाहर है। यहाँ विरोध हुआ, कहा कि अगर बिहार में आकर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं साहब। धन्यवाद। उन लोगों को भी कथा सुनने आना चाहिए। बिहार की संस्कृति किसी के भी कथा का या किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। वो जितनी बातें कह रहे हैं सब अपनी आस्था और धर्म की बातें हैं। सभी को अपने धर्म का बात कहने का अधिकार है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करना भी जरूरी है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो करते हैं। नहीं, मेरा कोई जवाब नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि बागेश्वर बाबा के ऊपर महादेव की दया है। महादेव मतलब बजरंगबली। और जिसके ऊपर बजरंगबली की दया हो उसका कौन क्या बिगाड़ेगा, वो राष्ट्र निर्माण के काम में निकला। बिहार में बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के माध्यम से भाजपा पूरे राज्य में एक माहौल बनाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ इस मंसूबे के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है। बता दें कि कथा में आतंकी हमले की धमकी मिली है। जिला प्रशासन ने आयोजकों को चेताया भी था, बावजूद इसके कथा चल रही है। भगवा पताका लिए हजारों लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। और बागेश्वर धाम सरकार हिंदू राष्ट्र की अलग जगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।